चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का जो काम है वो जोरों पर चल रहा है, लेकिन चंडीगढ़ बद्दी रेलवे परियोजना में अवैध खनन से निकाली गई मिट्टी और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने एनजीटी को दी, जिसके बाद एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की ओर से एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी ने रिपोर्ट में 41 लोग नामजद किए और एसडीएम नालागढ़ के द्वारा नोटिस जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का अवैध रूप से खनन करके रेलवे में मिट्टी फेंकी गई है। शीतलपुर दसोमाजरा जो रोड है उसके अलोंग पास्ट कुछ समय में जो पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा चलान किए गए हैं उसमें एनजीटी के ऑर्डर्स की कंप्लायंस में एक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की नोटिफिकेशन है, उसके तहत उन सबसे उन पे जो 41 जो चलान्स किए गए हैं पुलिस और माइनिंग विभाग के द्वारा, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन इम्पोज की गई है और उनके नोटिस उनको इशू किए गए हैं कि वो जो कंपनसेशन है वो डिपॉजिट कराएं। सर उनका ये बोलना है कि हमने तो कभी मिट्टी बेची रेलवे को, जो मास्टर माइंड का उसका नाम क्यों नहीं है? जो ये कमेटी जिसकी आप एनजीटी की बात कर रहे हैं जो इंक्वायरी हुई थी, ये जो 41 चलान है, अगर किसी जगह इलीगल माइनिंग हुई है तो वो मिट्टी कहीं भी यूज़ हुई हो, इलीगल माइनिंग ही है। और इनके 41 लोग जो हैं, ये 41 लोगों के चलान जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा किए गए हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही इनको नोटिसेज इशू किए गए हैं। बाकी जो एनजीटी के केस की बात है वो अभी केस एनजीटी में चला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नालागढ़ से अजय रतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो नालागढ़ है वहां जो चंडीगढ़ बद्दी जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें घोटाला देखने को मिला है और 41 लोग को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी मैम, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि ये चंडीगढ़ और बद्दी रेलवे लाइन जो है इसका प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए जो भरान जो जिसको भरान भरते हैं, भरान भरने के लिए जो है वहां पर मिट्टी की आवश्यकता थी, तो रेलवे ने जो है इसका टेंडर निकाला हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो मिट्टी जो भरी जा रही है वो बद्दी के आसपास जो है वो जो वहां पर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके थ्रू जो है वो मिट्टी वहां पर डाली जा रही है। अब देखा यह जा रहा है कि अब जो शिकायत जो है कुछ लोगों ने एनजीटी को करी कि यहां पर जो है वो अवैध रूप से जो है वो मिट्टी उठाकर रेलवे को बेची जा रही है, तो एनजीटी ने एक टीम गठित करी जिसमें एसडीएम नालागढ़ भी हैं। तो उन्होंने जब ये जांच करी तो 41 लोग जो है उसमें शामिल पाए गए कि उन्होंने अवैध रूप से जो है सरकारी या गैर सरकारी जमीनें जो है वो खोदकर वहां से मिट्टी उठाकर जो है वहां पर बेची गई है और तकरीबन 1.8 करोड़ रुपए का जो है वो मिट्टी जो है वो बेची गई है। 41 लोगों को उन्होंने जो है नामजद करके उनको नोटिस जारी किया है और जैसे अलग अलग लोगों को जैसे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए उनकी रिकवरी जो है वो वापस करने का जो है वो नोटिस जारी किया है। लेकिन मैम आपको एक चीज बहुत बड़ी बात जो है इसके अंदर ये निकल के आ रही है कि जो असली जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मेन माफिया जिसको कह सकते हैं, जिसने ज्यादा जो है मिट्टी वहां पर बेची है, इन 41 लोगों में उसका नाम नहीं दिया गया। अब कल एसडीएम से जब इस बारे में बात हुई तो उनसे कि भी उनको क्यों छोड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि एनजीटी का मामला है। तो अब देखने वाली बात है कि अगर रिपोर्ट बनाई गई है तो जो 41 लोगों का नाम है, अब वो जो है वो छोटे छोटे ट्रैक्टर जो चलाने वाले लोग हैं, जो थोड़ी छोटी छोटी माइनिंग करते हैं, उनका नाम उसमें डाला है। जो मेन बंदा है, जो मेन जो मिट्टी का जो है वो घोटाला कर रहा है, उसका जो है नाम निकाल दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे राजनीतिक जो दबाव जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव के चलते जो है उसका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है। जी अजय, लगातार नालागढ़ से अवैध खनन की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, प्रशासन ने अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए मैम, आपको ये बता दिया कि अवैध खनन की जो रोकने के लिए है माइनिंग विभाग जो है सरकार द्वारा बनाया गया है और पुलिस, आपको बता दूं कि 16 ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको माइनिंग रोकने के लिए
जो सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, आईपीएच भी है, माइनिंग विभाग है, पुलिस है, लोकल प्रशासन है और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो लेकिन माइनिंग विभाग की ज्यादा जिम्मेवारी होती है। अब देखने वाली बात है कि ये जो 1 करोड़ रुपए की मिट्टी उठी है वो कोई एक दिन की को तो बात नहीं है, कम से कम 6-7 महीने 8 महीने कम से कम लग गए होंगे इस मिट्टी को उठाते हुए। तो माइनिंग विभाग कहां सो रहा था, माइनिंग विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे थे, मिट्टी सरकारी लैंड से आप इतने मात्रा में जो है वो मिट्टी का खनन हो रहा है, माइनिंग विभाग की ज्यादा जिम्मेवारी इसमें कहीं ना कहीं बनती है। हालांकि पुलिस द्वारा जो है लगातार जो है वो माइनिंग एक्ट में जो है वो चालान किए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से कोई कताई नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जो सरकार ने अगर माइनिंग विभाग स्पेशल सेल जो बनाया गया है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसकी बनती है। तो इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है, और ये वाले एक मामला नहीं है, यहाँ बीबीएन क्षेत्र जो है यहाँ पर लगातार जो माफिया गैंग है, जो खनन माफिया है वो सक्रिय है और कहीं ना कहीं राजनीति के जो लोग हैं इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं जो है माइनिंग विभाग इन राजनीति करने वालों को जो है वो नहीं पकड़ पा रहा है, या कह लो कि दबाव के चलते जो है इनको नहीं कंट्रोल किया जा रहा। पुलिस, हालांकि मैं ये साफ तौर पर जरूर कहूंगा कि पुलिस जो है अपना काम जो है लगातार कर रही है, लगातार जेसीबी के, पोपलेन के, पहले आपको बता दूं कि जो माइनिंग के चलान होते थे वो कोर्ट के थ्रू होते थे, बहुत कम मात्रा में, जैसे 20,000-25,000 के होते थे, लेकिन यहाँ के एसपी जो इल्मा अफरोज है उन्होंने एक जो रूल जो है वो पास कर दिया कि अब जो भी चलान होंगे एनजीटी के थ्रू होंगे। और आपको बता दूं कि एनजीटी के थ्रू जो है एक जेसीबी का अब 2.5 लाख रुपए से कम जो है वो चलान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा कंट्रोल जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ये रुका नहीं है। और आपके सामने जो है 1 करोड़ रुपए का जो मिट्टी बेचने का जो ये घोटाला है ये सामने आया है। जी, तो अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में घोटाला देखने को मिला और एनजीटी ने 41 लोगों को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर